द्वितीय वर्ष संस्कृत में हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार है, इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषं ऋच्छति असंशयम्, संनियम तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। अर्थात इंद्रियाणां प्रसंगेन, इंद्रियों अर्थात हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, इनके प्रसंग, प्रसंग का अर्थ है इनके संबंध में आने पर, इनके साथ में रहने पर, शब्द स्पर्श रूप आदि के रहने पर, असंशयम, संशय अर्थात संदेह, असंशय निसंदेह निश्चित रूप से दोषम रिच्छति यानी दोष को प्राप्त होता है। यदि मनुष्य शब्द में रूप में रस में यदि बहुत अधिक रहे तो वह दोष में पड़ जाता है, वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। तानी एव और उन्हीं इंद्रियों को संनियम अपने नियंत्रण में करने पर यदि मनुष्य उनसे दूर हो जाता है, ततः सिद्धिम नियच्छति तो वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखे तो वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। अगला, न जातु कामह कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा भी वर्धते। इसमें मनु अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होने की बात को कहते हैं। कामह अर्थात हमारी इच्छाएं, कामानाम उपभोगेन न जातु साम्यति, कभी भी इनके उपभोग से, इनके बार बार उपभोग से, यदि हम खूब सोएं खूब खाएं तो भी अगले दिन वही इच्छा वापस जाग जाती है, तो मनुष्य की भौतिक इच्छाएं कभी उनको भोगने से पूरी नहीं होती है। जैसे हविषा, जैसे अग्नि में यदि हम हवन करेंगे उसमें घी आहुति देंगे तो जैसे अग्नि बढ़ती है घटती नहीं है, वैसे ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने पर वो इच्छाएं और बढ़ जाती है घटती नहीं है। अतः मनु ये कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम एक दिन में हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे तो वो अगले दिन इच्छा नहीं आएगी, वो सदैव बढ़ती रहती है। अगला, न तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुम् असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। मनु इसमें कहते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारी आँख नाक कान त्वचा इंद्रियां हैं, उनको हम ज्ञान से ही विषयों से दूर रख सकते हैं। विषयेषु अर्थात विषयों में, शब्द स्पर्श में प्रजुष्ट, प्रजुष्ट अर्थात आसक्त इंद्रियां, न तथा वैसे असेवया बिना सेवन किए, यदि हम हमारे सामने कोई मीठी मिठाई पड़ी हुई है, कोई सुगंधित वस्तु रखी हुई है, कोई सुंदर दृश्य है, तो हमारी इंद्रियां उनको यदि दूर से रहें तो ऐसा नहीं कि हम उनसे दूर हो जाएंगे। जब तक हमें उनका वास्तविक ज्ञान नहीं होगा कि ये हमारे मार्ग में बाधक है, हमारी तपस्या को भंग कर सकती है, तब तक हम उनसे दूर नहीं होंगे। अर्थात सच्चे ज्ञान से ही हम इन शब्द स्पर्श रूप आदि इंद्रियों के ज्ञानों से हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। कहा भी गया है, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, मनुष्य का तीसरा नेत्र उसका ज्ञान होता है जिससे सही वस्तु का रूप दिख जाता है। तो यहाँ मनु सच्चे ज्ञान को विषय भोगों से दूर रखने में सहायक मानते हैं। यदि मिठाई हमारे सामने है और हम उनको बिना सेवन किए रहेंगे तो मन बार बार उसकी ओर ही भटकेगा, परंतु यदि हमें ध्यान पड़ जाए कि यह हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, सच्चा ज्ञान मिल जाता है, तब हम उसको अपने मन से दूर कर लेंगे, तब हमें वो आकर्षित नहीं करेगी। अगले श्लोक में मनु
कहते हैं कि जिस मनुष्य की मन में दुष्ट बुद्धि है, जिसका भाव शुद्ध नहीं है, उसके लिए सारी क्रियाएं बेकार हैं। वेदास्त्यागश्च यज्ञाच नियमाश्च तपांसिच न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्। अर्थात विप्रदुष्ट भाव, जिस मनुष्य का भाव, मन का भाव प्रदुष्ट हो, अर्थात बहुत दुष्ट भाव का हो, मन में कुटिलता हो, उस मनुष्य का वेदा है, यदि वो चारों वेद पढ़ ले, त्याग अर्थात वह दान आदि कर लेवे, यज्ञ कर लेवे, बहुत सारे नियमों को मान लेवे, तपस्या कर लेवे, पर वो सिद्धि न गच्छन्ति, पर उनके वो कभी सिद्धि यानी सफल नहीं होते हैं। अर्थात मन में शुद्ध भावना हो तभी हमारे लिए वेद त्याग आदि सार्थक या सफल होगी। यहाँ मन की शुद्धता पर मनु ने अधिक महत्व दिया है, न कि कर्मकांड या पाखंड पर। अगले श्लोक में मनु जितेंद्रिय की परिभाषा बताते हैं। जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिनका अपने मन पर और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है, उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। मनु कहते हैं श्रुत्वा, जो मनुष्य सुनकर, स्पृष्टवा स्पर्श करके, दृष्टवा देख करके, भुक्तवा खा करके, ग्रात्वा अर्थात सुनकर, जो नर न हृष्यति, न तो हर्षित होता है, न प्रसन्न होता है, न ग्लायति और न दुखी होता है, सह जितेंद्रिय विज्ञेय, उसको जितेंद्रिय मानना चाहिए। अर्थात गीता में कहा गया है कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी को आप समभाव से रखते हुए अपने कर्म को करेंगे तब व्यक्ति दुखी या सुखी नहीं होगा। कारण यह है कि यदि कोई वस्तु मिलती है हम दुखी होते हैं, और यही वस्तु हमसे दूर हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो वस्तु के आने से सुखी और जाने से दुखी होते हैं। पर जितेंद्रिय न तो सुखी होता है न इनसे दुखी होता है, वह समभाव में रहता है, तटस्थ रहता है, उसी को जितेंद्रिय कहा जाता है। महत्वपूर्ण श्लोक है यह। अगला इंद्रियाणाम तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियं तेनाश्य क्षरित प्रज्ञा धृतेः पादाद इवोदकम्। इसमें मनु कहते हैं कि हमारी सभी इंद्रियों में यदि एक भी इंद्रिय अपने पथ से भटक जाती है तो हमारी सभी क्रियाओं को व्यर्थ कर देती है। जैसे सर्वेषां इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों में यदि एकम इंद्रियम क्षरति, यदि एक भी इंद्री अर्थात कोई भी, जैसे कान किसी वस्तु शब्द की ओर चले गए या आँख किसी दृश्य की ओर भटक गई, तब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे धृते है, धृते अर्थात चमड़े के बर्तन से यदि एक भी छिद्र हो तो उसमें से सारा पानी निकल जाता है, वैसे ही यदि हमारे इंद्रियों में से यदि एक भी इंद्री में क्षरण हो गया, भटक गई, तो हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगले श्लोक में मनु कहते हैं कि 10 ज्ञान देने योग्य है, 10 व्यक्तियों को पढ़ाने के योग्य है। कौन कौन है? आचार्य पुत्र है शुश्रूषु, ज्ञान दो धार्मिक है शुचि ही, आप्त है शक्त है अर्थद है साधु स्व अध्यापा, 10 धर्मत है, 10 धर्मत है अध्यापा, 10 पढ़ाने के लिए योग्य है। कौन कौन से हैं? आचार्य पुत्र है, हमारे गुरु का पुत्र, शुश्रूषु जो हमारी सेवा करता है, ज्ञानद है जो हमें अन्य विषयों का ज्ञान देता है, हमें यदि कोई एक विद्या या कोई एक विषय का ज्ञान है और यदि वो हमें दूसरा ज्ञान देवे तब हम उसे अपना ज्ञान भी देवे, धार्मिक है जो धर्मात्मा हो, शुचि जो पवित्र हो, आप्त है अर्थात जो हमारा बंधु हो, शक्त है जिसमें विषय जिसमें ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति हो, अर्थद है अर्थ देने वाला अर्थात धन देने वाला,
साधु जो अच्छा हो, स्व अध्यापा, स्व का अर्थ है अपना, ये सभी पढ़ाने के योग्य है। इसके विपरीत व्यक्ति पढ़ाने के योग्य नहीं है। हर किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसी भाव को अगले श्लोक में कहते हैं, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयान् न च अन्येन पृच्छतः, जानन अपि ही मेधावी जड़वत लोक आचरेत। मनु कहते हैं कि अपृष्ट है, जिसने हमसे नहीं पूछा है उसको, और अन्यायेन, जो व्यक्ति जबरदस्ती हमसे बात को पूछे, उनको न ब्रूयात, उसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जिसने पूछा नहीं हो और जो जबरदस्ती हमसे कुछ बात पूछ रहा हो, उन दोनों को नहीं बताना चाहिए ही, क्योंकि मेधावी विद्वान व्यक्ति को जानन अपि, जानते हुए भी, जड़वत अर्थात जो गूंगा व्यक्ति होता है, जो बोल नहीं सकता है, उसके तरह रहें। हर किसी को अपने ज्ञान को बताने से वह ज्ञान उस व्यक्ति के पात्र नहीं होगा, तो उसका वह दुरुपयोग करेगा। अतः हर किसी को अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।